मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा थे कि हमारे प्रदेश के सड़क अमेरिका से बेहतर सड़क है, मगर वह अमेरिका के बेहतर अमेरिका से बेहतर सड़कन में रोज सड़क हादसा होते और ऐसा सड़क हादसा होते शायद मुख्यमंत्री का यह हादसा में बोले में जो है झक लागत हुई, उन्हों के दिल में दर्द उठत हुई, कहे कि जो उन्हें सड़क में हम खड़े हैं यह सड़क यह जगह में लगभग 15 लोगन की जिंदगी लील ली सी हालत देखी लागे, कहोंठे दबी है कहोंठे उठी है। जो यह हाईवे है तेज रफ्तार गाड़ी आई तो अपना सोची खुद कल्पना करी कि हालत का होत हुई। सड़क के बगल में बनी नाली के हालत देख ली, पूरी नाला जो है खुला है, ओहू में हादसा के डर हमेशा बना रहा था। और यह जगह में कुछ लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम जाने के प्रयास करब कि आखिर यह जगह पर समस्या का ही काहे सड़क हादसा होते। हम कहा कि हमारा सहयोगी होगा यह सड़क की हालत दिखावे, जहाँ ठे हादसा भाई उठे कांच के टुकड़ा से लेके हर चीज पड़ी है और वही थे यह सड़क हादसा भा है। और सड़क हादसा यह में जो सड़क है जो हाईवे ही टोल प्लाजा तक जगह जगह आदमी दे थे, लेकिन वह टोल प्लाजा माँ सोची खुद कल्पना करी कि वह टोल प्लाजा पैसा ले तक सीमित है, सड़कन के मेंटेनेंस को करावे का जनता पैसा दे और सड़क में डमरो लगावे और उस खुले आम गुंडई से यह टोल प्लाजा से जो है या बस के जो है हिस्सा पड़ा है यह UP 64 UP 43 A T 50 68। अब यह ट्रक के हिस्सा यह बस के हिस्सा है हमका लागत है पिछला हिस्सा है और यही थे वह बस के ठोकर लगी है। तब ये क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे इट के लोगन से बातचीत के कि आखिर जो ये हादसा भा है यह हादसा के वजह का अपना का लागत है। तो अपना शुभ नाम का है? हमारा नाम अमिताभ तिवारी है, हम मध्य प्रदेश बेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कारपोरेशन में काम करते हैं और यहाँ से हम कहाँ के हैं? हम रायपुर सनौरी के हैं। अच्छा हाँ, यहाँ से हम डेली अप डाउन करी थे, डेली है जैसे आए दिन यहाँ पे ट्रक का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि यह रोड ऊंच खाल ही, हमहू मोटरसाइकिल से जाइए हमारो चका है कैसे ओके हो जाता है ये रोड ऊपर नीचे के वजह से, सबसे बड़ा एक्सीडेंट के कारण यही है। आए दिन परमानेंट यहाँ पे डेली ट्रक न एक न एक मोड़ महोत यही मोड़ महोत यह मोड़ महो ये आगे मोड़ है वो मोड़ बस दुई मोड़ में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है और सबसे बड़ा कारण यही है रोड। नहीं तो सरपंच साहब कहा थे कि सीओ साहब देख गए और यह देख गए ऐसा तो शिवराज सिंह मामा देख चुके हैं। हाँ वो तो रोड कहा था अमेरिका से बढ़िया है, जबकि सोहागी पहाड़ इतनी बढ़िया छुया घाटी ये घाटी है जिससे कि इतना अच्छा पैसा लगा रहे हैं जिस तरह से उस तरह से काम करवा दें तो नहीं तो पैसा तो वसूला जाता है ट्रक वाले से वसूला जाता है बस वाले साहब यह बात थी कि पैसा तो जबरई वसूला जाता है ताकत के बल पर गुंडई से डंडा के बल पर या टोल प्लाजा में कोनो रेट टूटी नहीं है कोनो सिस्टम नहीं है टोल प्लाजा वाली सड़कन का दुरुस्त का ही नहीं करवा में वो कहा था एक बार हम बना दिया 30 साल वसूलेंगे फिर जब उखड़ेगी तो पूरे बनाएंगे। चलिए कहा सुन नाम है अपना के तो कैसे घूम जी एक है कैमरा का बोलवा कैमरा पा ये तो कैमरा में आ गया तब तो बोलक राजा जी ने का नाम है अपना के आरएन जसवाल सर। कहां के हैं अपना? हम लोग क्षेत्र के यहां है नहीं सुहागिन क्षेत्र के हैं। स्थिति यह है कि प्रत्येक आए हर महीना यह मेरे एक्सीडेंट होते हैं अगर पर यहाँ से अगर 2 किलोमीटर आगे तक देखब जैसे देखिए वहाँ वह पॉइंट है या मोड़ में है वह पूरा बिल्कुल घुटना तक का ऊंचा खाला है भाई यह स्थिति है या मेरे से देखिए स्थिति यहाँ पर अपना दिखाऊ बगर एक साल पहले एक हम कंप्लेन करे रहे कोनो सुनवाई नहीं भाई कोनो मेरे से कोनो के सुनने वाला तैयार नहीं रहा है। अब यह देखा पूरी तरह से नाली नंगी है यहूँ में आए दिन घटना होती है माँ ये तो बड़ा हादसा हो गया सब बड़े मीडिया चैनल के बीच में आवा है आपकी हमारे सहयोगी जितेंद्र जो है वह ट्रक जो वहाँ पर लागे हुआ जगह में होकर हालत देखे देखिए ये मैम ब्रेक फेल न हुई तो का हुई यह में जो डायरेक्ट उतार है अपना अगर यहाँ के त्यान हो तो बीच बीच में ब्रेकर बने रहे लगभग 8-9 की संख्या में वो में कौनों मेरे से न सफेद चूना से न कोनो इंडिकेशन कोनो तरह से दीन नहीं है जो न यह बैठे कारण है आगे अपना दिखे नो बैठे की कमानी टूट गई हो आगे दिखे नो ट्रक वह जंपिंग के माध्यम से आए कोनो इंडिकेशन नहीं है कहाँ जंपिंग है भाई। चलिए तो कुल मिला के जो हालत थी वह बेहद दुखद है लेकिन जिम्मेदार घोड़ा बेच के सो रहे हैं उनका फर्क नहीं पड़े जनता जिए या मरे जी। एमा RTO बैरियर में जो उन स्टाफ है 7 आदमी की नियुक्ति है 34-35 लोग हैं यहाँ जो लठे था वो पैसा वसूली करा था अधिकारी के साहब मतलब से ज़्यादा रुपया पहुँचावा था और
चाहे 100 आदमी भर के बसवारा जाए, चाहे 150, चाहे 20, उनका कोई मतलब नहीं सिवाय पैसा के। और अपना जांच कराओ एकट के एकट परमिट न हुई, अब बिना परमिट के टोटल बस मेर के चल रही है, उड़ी रही है। जी सर, सवाल बड़ा है, क्या नाम है अपना? के पुष्पराज पटेल। कहाँ के हैं? हम गढ़ के पास के हैं। तो यह रोड से आवाजाही लगी रहता हमेशा रहता है, ये यहाँ थोड़ा सा रोड जो ऊपर नीचे है इसमें दिक्कत होती, गाड़ी ऑटोमेटिक काटती है इधर उधर, उसका एविलेशन है तो इधर जाएंगे उधर गाड़ी में जो अपना, इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये अपना क्या नाम? माय नेम इज धीरेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम जिला पोस्ट थजलरीवा मध्य प्रदेश। कहाँ है यह जगह के बारे में क्या बोले चाहिए? ये जगह के बारे में बोलना चाहता हूँ कि इसमें सुधार आना चाहिए। ये अपना के व्हाट्सएप में भेज दे हैं, ये पिछले साल के है, ये पिछले साल की है, ये जानकारी दी गई रही है भाई, अपना के व्हाट्सएप में भेज दे हैं, ये पूरी जानकारी दी है कंप्लेन के। चलिए हम कहा कि हमारे सहयोगी थोका या पिछले एक बार से कंप्लेन, या देखिए कि या कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो घटना कम हो। जी, या समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि यह आवेदन एक साल पहले दिन का, लेकिन यह जो है कौनो जिम्मेदार या बात के ध्यान नहीं दिन, और जौने के चलते या ये जौने के चलते जलते यह पूरा हादसा भाया है। चलिए तब यह देखिए या एठे जो हाल जो यह हाल भा है, यह हाल दिख ली और यह हाल पूरी तरह से बेहाल है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।